दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आपके घर पे कोई घर पे चढ़ के हमला करता है, दरवाजे पर चढ़ के हमला करता है, आपके घर में घुस के हमला करता है, या फिर आप ही के घर में आपको बंधक बनाने की कोशिश करता है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है, क्या कोई किसी के घर पे हमला करता है तो इसके लिए कौन सा सेक्शन लगेगा, कितने साल की सज़ा होगी, सारा चीज़ का जानकारी मैं आपको दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। आप लिख सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी सवाल होगा, आप लिख दीजिए, उसका जवाब तो मैं आपको दूंगा ही। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिल्मों में आप अक्सर देखते होंगे कि हीरो जो होता है वो गुंडे के घर पर चढ़ के मारता है, या फिर उस बदमाश जो होता है, फिल्म का बदमाश होता है, विलेन होता है, वो हीरो के घर पे चढ़ के मारता है, एक दूसरे के घर पे चढ़ के मारता है और कुछ नहीं होता है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। तो ये तो फिल्मों की बात है, फिल्मों में ऐसा होता है क्योंकि इसमें स्क्रिप्ट लिखा जाता है और उसे बनाया जाता है और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करने वाला होता नहीं, सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए होता है, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। लेकिन जो असली दुनिया है उसके लिए कानून बनाया गया, कानून में प्रावधान है कि अगर कोई आपके दरवाजे पर चढ़ के मारता है, आपके घर में चढ़ के मारपीट करता है, या किसी भी प्रकार के आपको क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसके लिए प्रावधान है, उसके लिए सजा का प्रावधान है, आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर केस करेंगे, FIR करेंगे तो उस पर सजा का प्रावधान है, उसे सजा भी होगी, जुर्माना भी होगा। IPC के सेक्शन 452 में यह प्रावधान है कि आपके घर पे चढ़ के कोई हमला करता है, आपके घर में घुस के कोई हमला करता है, आपके घर में बंधक बनाने का कोशिश करता है, या फिर बंधक बनाता है, या फिर किसी भी प्रकार से आपको क्षति पहुंचाता है, तो आप उस पर FIR करें और उसको, उस व्यक्ति को, हमला करने वाले व्यक्ति को 7 साल तक की सजा हो सकती है, 7 साल तक की सजा होगी, और उसको जुर्माना का भी प्रावधान है, जुर्माना भी उसको हो सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपके घर पर अगर हमला होता है तो आप अपने पड़ोसी को, अपने जानने वालों को, जो घटनास्थल पर जो देख रहे हैं उनमें से किसी को आप विटनेस बना के आप उस पर FIR कर सकते हैं। अगर पुलिस स्टेशन में जाते हैं FIR करने, वहाँ पर FIR नहीं लेता है, तो आप 156(3) के तहत आप कोर्ट से मुकदमा कर सकते हैं और वहाँ से जब आदेश होगा तो आपका केस लेना ही पड़ेगा, FIR करना ही पड़ेगा, पुलिस स्टेशन को किसी भी हालात में इंक्वायरी करेंगे और वहाँ पे FIR उसको करना ही पड़ेगा। तो पहले बता रहा हूँ कि जिसके घर पे हमला होगा उसको क्या करना चाहिए, क्या करेगा, कहाँ कंप्लेन करेगा। तो उसको करना क्या है कि जब उसके घर पे हमला होता है तो 100 नंबर पे वो कॉल करे, 100 नंबर पे कॉल करे, जिसे अब 112 कर दिया गया, 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसका कॉल रिकॉर्डिंग अपने पास रख सकते हैं कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, पुलिस समय पर नहीं पहुँच पाए, या फिर पुलिस आ जाती है तत्काल तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बाद में आती है तो भी आपके पास एक रिकॉर्ड होगा कि मैंने पुलिस को कॉल किया था, वो आपके पास एक रिकॉर्डिंग रहेगा, कॉल रिकॉर्डिंग, अभी तो मोबाइल में सभी का कॉल रिकॉर्डिंग होता ही है। दूसरा ये है कि अगर आपके घर में, आपके घर के आसपास CCTV कैमरा लगा हुआ है तो उसमें भी सारा मामला दर्ज हो जाता है, तो वो आपका और भी पुख्ता सबूत होगा, और भी पुख्ता सबूत होगा, पक्का सबूत होगा, CCTV कैमरा को कोई झुठला नहीं सकता है और वो कोर्ट में बहुत ही बढ़िया सबूत माना जाता है। तो इसमें होगा क्या कि जिसने आपके घर पर हमला किया है उसको बिल्कुल सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, किसी भी हालात में सज़ा मिलेगी, आपको सिर्फ ये सबूत के आधार पर आपको FIR करा देना है या फिर आपको केस कर देना है कोर्ट से। तो दोस्तों मैंने बिल्कुल ही आसान शब्दों में ये सारी बातें बताई कि किसी के घर पर हमला करना बहुत ही बड़ा अपराध है, तो किसी के घर पर चढ़ के आप हमला न करें, अगर आपके घर पर भी हमला हुआ है तो आप कानूनी कार्रवाई जरूर करें, इसलिए कि वो व्यक्ति को अगर आप छोड़ देते हैं तो बार बार आपके ऊपर हमला करने का प्रयास करेगा, आपको क्षति पहुँचाने का प्रयास करेगा। आपको एक और छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि आपके घर पे कोई हथियार से हमला करता है, धारदार हथियार लेकर हमला करता है, आपको मारने के प्लान से हमला करता है, तो आप सेल्फ डिफेंस में उस पर भी हमला कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस में अगर आप उस पर हमला करते हैं, उसके साथ कोई टूट फूट होता है, कुछ भी होता है, उसको अगर पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, या फिर किसी भी प्रकार का गंभीर क्षति भी पहुँचता है, तो इसमें आप कम दोषी माने जाएंगे, आपको रिलीफ मिलेगा कोर्ट से, इसलिए मिलेगा क्योंकि आपके पास यह सबूत है कि आपके घर पे चढ़ के हमला किया गया, तो सेल्फ डिफेंस का भी अधिकार आपको बनता है। लेकिन अगर ऐसे झड़प होती है तो आप केस कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा गंभीर चोटें आती है, ज्यादा कोई गंभीर मामला होता है, गंभीर तरीके से आपके घर पे हमला होता है, तो आप सेल्फ डिफेंस में आप भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि दरवाजा आपका है, घर आपका है, आप उसके दरवाजे पे नहीं जा रहे, उसके घर पे नहीं जा रहे, तो आपका मामला बनता है, आपका सीधे सीधे साबित होगा कि सेल्फ डिफेंस में आपने हमला किया है उस पर। दोस्तों बहुत ही कम समय में मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश की है, अगर इससे संबंधित कोई सवाल हुआ तो मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अगर चैनल को मेरे आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा है तो कर ले, अगर आप नहीं कर रखा है तो कर ले, अगर आपने कर रखा है तो आपके इसके लिए शुक्रिया करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ आपको।